गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके, आपका पहले अभी तक शुरू के 5 लेसन 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 6, कहाँ पहुंची पतंग। यह एक कविता है और इसको लिखने अक्षय कुमार दीक्षित जी ने लिखा हुआ है। ओके, तो कविता स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जो डिफिकल्ट शब्द दिए हुए होते हैं, कठिन शब्दार्थ जो दिए हुए हैं, वो एक बार सारे मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। और अगर फिर भी कविता में कुछ डिफिकल्ट शब्द आपको लगे तो आप लोग मुझे बाद में डाउट में ये कहेंगे, आप स्कूल में आके अगर आप लोगों को कुछ भी आज तक जो भी लेसन में प्रॉब्लम आया है या नोट्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग आके स्कूल में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ये नया लेसन जो ये हमारी कविता है, कहाँ पहुंची पतंग, ठीक है। और इसके कवि जो है वो है अक्षय कुमार दीक्षित जी ने ये पोएम लिखी हुई है। तो अभी मैं ये पाठ कविता पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले शब्दार्थ में है आसमान, आसमान अर्थात स्काई, आकाश, ठीक है। उसके बाद है शोर, शोर अर्थात आवाज करना। थर्ड है डाली, मतलब पेड़ की टहनियाँ, डालियाँ, ठीक है। उसके बाद है झटपट, झटपट अर्थ जल्दी। आओ पढ़े, तो यहाँ से आपकी कविता स्टार्ट होती है। तो हम लोग इस कविता को बड़े ध्यान से अच्छे से आप लोग सब पढ़ो, और अगर जो डिफिकल्ट शब्द होते हैं उन्हें कठिन शब्दार्थ होते हैं उनको भी अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के उपरांत अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हो कि कौन सा डिफिकल्ट शब्द है, लेकिन फिर भी अगर और फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कविता स्टार्ट करते हैं। बांध गले में लंबी डोर, आसमान में करती शोर, नाचे ऐसे जैसे मोर, मटकी मटकी मेरी पतंग। तो अक्षय कुमार दीक्षित जी इस कविता के माध्यम से ये कह रहे हैं, बांध गले में लंबी डोर, पतंग उड़ाने का सब बच्चों को शौक होता है। सब बच्चे जब पतंग उड़ाने का मौसम आता है तो सब लोग बच्चे कहीं ऊंची जगहों में, बिल्डिंग में, ग्राउंड में जाके रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं, ठीक है। और जब वो पतंगों को उड़ाते हैं, उसको पंख नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करती, इतने शोर करती हूँ आसमान में, जब खुले आसमान में पतंग उड़ती है तो इसे सरसर की आवाज आती है ना, हाँ। तो वैसे ही बांध गले में लंबी डोर, आसमान में करती शोर, नाचे ऐसे जैसे मोर, मटकी मटकी मेरी पतंग। सबसे आगे रहना चाहे, काट सभी को बढ़ना चाहे, गले मिले पर लड़ना चाहे, बटकी बटकी मेरी पतंग। तो इसमें अक्षय कुमार जी कहते हैं कि मेरी पतंग सबसे आगे रहना चाहती है, सबसे आगे रहना चाहे, काट सभी को बढ़ना चाहे, मेरी पतंग जो है वो सबसे आगे उठना चाहती है, दूसरी पतंगों को काट कर पहले उनके ऐसे गले में मिलती है, फिर उनको काट देती है, और फिर उसको किसी दिशा का पता नहीं होते हैं, निर्धारित दिशा नहीं होती है कि उसको वहीं पर उड़ना है, जहाँ उसको हवा ले जाती है, जहाँ उसका मन करता है वो वहाँ पर उड़ती हुई जाती है, भटकी भटकी मेरी पतंग, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पैराग्राफ, लड़ी भिड़ी तो मिल गया फल, निकल गए रस्सी के बल, गिरकर पेड़ की डाली से अटकी अटकी मेरी पतंग। तो इसमें कवि कहते हैं कि लड़ी भिड़ी तो मिल गया फल, सबसे अगर वो लड़ी भिड़ी ऐसे सबको काटते हुए, दूसरी पतंगों को काटते हुए वो आगे गई तो उसको उसका फल मिल गया, निकल गए रस्सी के बल, और जो उसकी रस्सी में एक दूसरी जो पतंगे उड़ रही थी उनके साथ जो भिड़ के उसके रस्सी में बल पड़ गए थे वो भी सारे साफ हो गए, ठीक हो गए, लेकिन फिर भी निकल गए रस्सी के बल, गिरकर जब रस्सी के बल उसके निकले तो वो क्या हुआ, वो मंजा जो था वो टूट गया
और फिर वो ऊंचे आसमान से नीचे गिरी, तो गिरने के बाद कहाँ पर गिरी, पेड़ की डाली से अटकी अटकी मेरी पतंग तो आकर ऊंचाई से गिरकर आकर वो कहाँ पर अटक गई, पेड़ की डालियों पर। फिर से एक बार फिर से शुरू से मैं इन तीन पैराग्राफ को पढ़ती हूँ। बांध गली में लंबी डोर, आसमान में करती शोर, नाचे ऐसे जैसे मोर, मटकी मटकी मेरी पतंग, सबसे आगे रहना चाहे, काट सभी को बढ़ना चाहे, गले मिले पर लड़ना चाहे, भटकी भटकी मेरी पतंग, लड़ी भिड़ी तो मिल गया फल, निकल गए रस्सी के बल, गिर कर पेड़ की डाली से अटकी अटकी मेरी पतंग। ओके, तो यहाँ पर जो आसमान में पतंग उड़ रही है उसके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार वो दूसरी पतंगों को काटती हुई आगे जाती है, आगे बढ़ जाती है, सबसे लड़ भिड़ कर अपना मार्ग आगे निर्धारित करती है, ऊंचाइयों को छूती है, लेकिन फिर भी वो कट जाती है और कटने के बाद वो कहाँ, पेड़ की टहनियों पर आकर अटक जाती है। फोर्थ पैराग्राफ, अटका देख उसे सब भागे, बिल्लू पीछे पिंकी आगे, देख रहे से किस डाली पर अटकी लटकी मेरी पतंग। ठीक है, तो जब पतंग टूटती है हवा से, टूटकर वो जब नीचे गिरती है सरसराती हुई, तो आकर कहा, पेड़ की डालियों पर, टहनियों पर, पेड़ों पर, ऊंचाई पर अटक जाती है। ठीक है, अब बच्चे जब पूरे उसमें ना, उन बच्चों ने पूरा ध्यान लगाया होता है कि किसकी पतंग वहां से टूट रही है और वो कहाँ हवा के फोर्स से कहाँ पर उड़ते हुए जा रही है और वो कहाँ पर अटकेगी, इसलिए सब बच्चे उसको देखते हुए कि वो कहाँ जाके रुकती है, कहाँ अटकती है, उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। तो उनमें सबसे बिल्लू पीछे पिंकी आगे, अब यहाँ पर कविता में चित्र में आपको दो तीन बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वो उनमें से बिल्लू जो है वो पीछे रह जाता है, लेकिन पिंकी उसको पकड़ने के लिए आगे भाग जाती है। देख रहे थे किस डाली पर लटकी लटकी मेरी पतंग, अब वो सब ध्यान से उसको देख रहे हैं कि आसमान से टूटने के बाद वो कहाँ किस पेड़ पर जाकर अटकती है। पिंकी ने तब अक्ल लगाई, खोज कहीं से सीढ़ी लाई, अब वो पतंग जो थी एक पेड़ पर एक ऊंची डाली पर अटक गई, लेकिन अब उसको उतारे कैसे, इसलिए पिंकी ने अक्ल लगाई, दिमाग लगाया, और वो क्या, खोज कहीं से सीढ़ी लाई, कहीं से ढूंढ कर एक सीढ़ी लैडर ले आई, सीढ़ी पर झटपट बढ़ चढ़कर झटकी झटकी मेरी पतंग, अब वो सीढ़ी पर ऊपर चढ़ी और वहां से ऐसे टहनियों को हिला के उसने उस पेड़ से उस पतंग को निकाला, ऐसे झटक कर पतंग को निकाल लिया। फिर से फोर्थ वाला पैरा देखो, अटका देख उसे सब भागे, बिल्लू पीछे पिंकी आगे, देख रहे थे किस डाली पर लटकी लटकी मेरी पतंग, पिंकी ने तब अक्ल लगाई, खोज कहीं से सीढ़ी लाई, सीढ़ी पर झटपट बढ़ चढ़कर झटकी झटकी मेरी पतंग। ओके, तो यहाँ तक हो गई आपकी ये कविता, कहाँ पहुंची मेरी पतंग। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ, सारी पोइम को ध्यान से उसको देखो और सुनना। ठीक है, बांध गले में लंबी डोर, आसमान में करती शोर, नाचे ऐसे जैसे मोर, मटकी मटकी मेरी पतंग, सबसे आगे रहना चाहे, काट सभी को बढ़ना चाहे, गले मिले पर लड़ना चाहे, भटकी भटकी मेरी पतंग, लड़ी बिड़ी तो मिल गया फल, निकल गए रस्सी केवल, गिर कर पेड़ की डाली से अटकी अटकी मेरी पतंग, अटका देख उसे सब भागे, बिल्लू पीछे पिंकी आगे, देख रहे थे किस डाली पर लटकी लटकी मेरी पतंग, पिंकी ने तब अकल लगाई, खोज कहीं से सीढ़ी लाई, सीढ़ी पर झटपट पड़ चढ़कर झटकी झटकी मेरी पतंग। अक्षय कुमार दीक्षित। आई होप आप लोगों को ये जो कविता का पठन हम लोगों ने आज किया है उसको आपको समझ आया होगा और कविता पढ़ने में आप लोगों को सरलता होगी। उसके बाद आप लोगों को अभी क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, आप लोगों को ये जो पोएम है कहाँ पहुँची
पतन, इसको अपनी नोटबुक पे हिंदी CW बुक जो है आपका उसके ऊपर आपको इसका लेखन करना है, उसको लिखना है। उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक वर्क जो है वो टेक्स्ट बुक पे करना है। अगर नोटबुक का कुछ रहा तो वो मैं आपको नोटबुक के ऊपर दे दूंगी, ठीक है। तो उससे पहले सही और गलत, क्वेश्चन नंबर 1, पतंग मोर की तरह नाच रही है। सही, पतंग बेजुबान है फिर भी आसमान में शोर करती है। सही, पतंग आसमान में दूसरी पतंगों से गले मिलती है। हाँ, हमने कविता में पढ़ा, हाँ वो दूसरी पतंगों से गले मिलती है पर बाद में उनको क्या करती है, काट देती है। पतंग पकड़ने के लिए बिल्लू ने अक्कल लगाई। नहीं, गलत, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो गलत है। उसका सही आंसर क्या है, पतंग पकड़ने के लिए पिंकी ने अक्कल लगाई थी। ओके, उसके बाद जो है MCQ है वो आप लोगों को अपने आप करना है। क्वेश्चन आंसर्स हैं, समानार्थक शब्द हैं, ये सब मैं आप लोगों को होमवर्क में भेज दूंगी। लेकिन कविता में आपको जो 4 पंक्तियां सबसे अच्छी लगी उन्हें लिखिए, पेज नंबर 52। ये आप लोगों का ओन वर्क है, आप लोगों को जो भी पोइम में से अच्छी पंक्तियां लगेंगी वो आप इन यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे सामने दिया हुआ है ना ये बॉक्स, यहाँ पर आपको फिल करना है। ओके, ये आपका वर्क है। बाकी की जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो आई होप ये कविता एग्जाम में आप लोगों को, ये कविता राइटिंग रिटर्न वर्क में भी आ सकती है, क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं। इसलिए इस कविता को बहुत अच्छे से रीड करो, पढ़ो और याद करना है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं MCQ सही गलत, और जो पोइम है आपका जो वर्क है वो आप लोगों को उसमें करना है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पेज नंबर 53 के ऊपर देखो, यहाँ पर जो है वहाँ दिया हुआ है कि नीचे लिखे हुए खेलों के दौरान क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कबड्डी, कोई भी जैसे हम लोग कोई गेम खेलते हैं तो उसमें कुछ नारेबाजी लगाते रहते हैं। जैसे पतंग उड़ाते समय कहते हैं ये काटा ये मारा, लूडो कबड्डी में कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ऐसे ही क्रिकेट में कुछ लोग कुछ अनेक प्रकार के वाक्य यूज करते हैं। ओके, तो आप लोगों को ये अपने आप फील करना है, सोचो और लिखो कि जब ये गेम हम लोग खेलते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है। चलो, के बाद मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, इस कविता को अच्छे से लर्न करो और उसको पढ़ो, एग्जाम के लिए आएगी। और दूसरी बात कि जो भी अभी लेसन नंबर 1 to 6 तक आप लोगों को करवाया हुआ है, जितना भी वर्क जो टेक्स्ट बुक वर्क है उसे भी आप अच्छे से पढ़ो, उससे एग्जाम के लिए भी तैयारी करो। पोएम्स, फर्स्ट पोएम को रहने दीजिएगा, ये जो अभी लेसन नंबर 6 का जो पोएम है उसे ही एग्जाम के लिए आप रेडी करो पोएम के लिए। बट क्वेश्चन आंसर लेसन नंबर 1 to 6 तक सारे ही जितने भी लेसन हैं वो सब आप लोगों को करना है। ओके, ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।